राज्य वीरता पुरस्कार के लिए महिला बाल विकास विभाग ने इस बार 6 बच्चों का चयन किया है। यह पुरस्कार उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा, जिसमें राजधानी रायपुर के रामसागर पारा निवासी मुकेश साहू की बेटी 9 साल की खुशी भी शामिल है। खुशी साहू को यह सम्मान अपने घर के समीप छत में गिरती हुई 2.5 साल की रूही को बचाने के लिए दिया जा रहा है। खुशी के साहस को सलाम करती हमारी एक खास रिपोर्ट। रामसागर पारा रायपुर निवासी मुकेश साहू की 9 साल की बेटी खुशी साहू ने 1 मई 2017 को कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। इस साहसिक कार्य के लिए राज्य सरकार ने खुशी को राज्य वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। दरअसल 1 मई 2017 को खुशी ने छत से गिरती हुई 1.5 साल की बच्ची की जान बचाई थी, जिसके लिए उसे यह सम्मान दिया जाएगा। दरअसल उस दिन खुशी अपनी माँ के कहने पर घर की दूसरी मंजिल पर तुलसी चौरा के पास दिया लेने पहुंची थी। उसी समय उसकी नजर बालकनी में खेलती 2.5 साल की रूही पर पड़ी। बालकनी पर खेलते खेलते रूही बाहर की ओर निकली हुई छड़ में जा फंसी। छड़ में फंसी हुई रूही को देख खुशी ने लटकी हुई रूही के पैर पकड़ लिए और परिजनों को आवाज लगाई। खुशी ने नन्ही सी उम्र में अपनी सूझबूझ से रूही की जान बचाई और साथ ही अपने पड़ोसी की जिंदगी में खुशियां भर दी। इसके लिए खुशी को स्कूल में सम्मानित भी किया गया। अब हम आपको खुशी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह से उसने यह कारनामा कर दिखाया है। खुशी का कहना है कि वह बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती है। खुशी साहू जो कि 9 वर्ष की बच्ची है, उसने 2.5 साल की जो बच्ची थी उसकी जान बचाई है। वो फर्स्ट फ्लोर पे हैंगर पे जो तो छड़ निकले रहते हैं उस पे वो लटक रही थी और वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को बताई कि देखो वो बच्ची गिर रही है, उसको पकड़ो करके। उसको लटके हुए फिर भी 1 से 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका था और उसके बाद भी उसने जाके बताया, जब इकट्ठा किया तो उसकी हम बहादुरी इसलिए करते हैं कि उसने तुरंत जो है समझ बूझ का परिचय दिया है। यही उसके लिए एक बहुत बड़ा साहस का परिचय है। हमने स्कूल की तरफ से उसे एक मेडल दिया है, गोल्ड मेडल, एक मोमेंटो दिया हुआ है और सारे स्टाफ ने उसका सम्मान किया है, उसको बच्ची को, और पूरे हमारे स्कूल के एक वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानी जा रही है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, और कुछ इसी तरह से राजधानी रायपुर के रामसागर पारा के 9 वर्षीय खुशी साहू ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके लिए उनका चयन राज्य वीरता पुरस्कार के लिए किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों उन्हें 26 जनवरी को जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 15,000 रुपये की राशि के साथ में उन्हें जो है यह सम्मान जो है दिया जाएगा। हमारे साथ में खुशी जो है इस वक्त मौजूद हैं, हम उनके निवास पर मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था और किस तरह उन्होंने 1.5 साल के बच्चे की जान बचाई थी। खुशी बेटा बताएंगे किस तरह से उस दिन क्या हुआ था। मैं जब अपनी छत पे दिया जलाने गई थी तो फिर मैं देखी तो मैं बोली कि आप मत देखो आप गिर जाओगे करके, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं दिया रखने गई, फिर दिया रख के आई ना, फिर मैं देखी तो रॉड में फंसी हुई थी, फिर मैं छत से कूदी, फिर उसको पैर को खींची। पैर को खींची, आपको डर नहीं लगा कि वो गिर जाएगी या उसे मैं कैसे पकड़ूं, कोई आवाज़ लगाऊं? कैसे आवाज़ लगाया किसी को आपने? हाँ। क्या बताया, कैसे कैसे आवाज़ लगाई आपने, किसको आवाज़ लगाया? उसकी बड़ी मम्मी को। उसके बाद बड़ी मम्मी आई? हाँ। क्या किया फिर उन्होंने आके? फिर दोनों ने निकाला। आपको क्या उस बच्चे के रोने की आवाज़ आई, वो उसने चीखा तो आपने सुना, फिर आपको उसकी रोने की आवाज़ आई? रोने की आवाज़ आई। क्या कर रही थी बच्ची छत में? वो खेल रही थी। तो खुशी ये बताओ बेटा, आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो? इतने छोटे से उम्र में आपको जो है वीरता पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है, और आगे जाके आप क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। और क्या करेंगी? मम्मी पापा का सहयोग मिलता है? हाँ। कौन सी क्लास में अभी आप? क्लास 4th। क्लास 4th में पढ़ाई लिखाई करती हैं? अच्छी। हाँ। तो ये खुशी जो कि दूसरों की एक खुशी का कारण बन गई है, उन्होंने अपने पड़ोसी की जो 2.5 साल की बच्ची है रितु, उसको जो है बचाया है और इसके लिए अब राज्य सरकार उसे सम्मानित करने जा रही है।
साथ ही उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है खुशी की जो इच्छाएं हैं, उनको आशाएं हैं, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं आगे उसकी पढ़ाई के लिए और उसके विकास के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, ये उनकी माता जी से हम बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी को वीरता पुरस्कार मिल रहा है उसके लिए। आगे क्या बनाना चाहेंगी, इसे किस तरह से इसका ख्याल रखेंगे? वो जो बनना चाहे मैं वही बनाना चाहती हूँ। तो ये उनकी माता जी थी। तो माता पिता का सपोर्ट जो है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में, शिक्षा के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। उनके माता पिता भी उन्हें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। आगे जाके हम glips.in की तरफ से जो है आशा करते हैं कि खुशी का जो है भविष्य उज्ज्वल हो, आगे वो अपने शिक्षा दीक्षा में अच्छा कार्य करे। इसी के साथ कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ महेंद्र पटेल, glips.in रायपुर। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा बग्गा एंड यू आर वॉचिंग ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरूला और आप देख रहे हैं Glips News. For more information, log on to www.glips.in.